और खेली खेली गई रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन, इंजेक्शन मेहंदी आर्टिस्ट। और अभी हम हैं जी ये मुजफ्फराबाद में, और हमारे साथ हैं हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं ज़ेब भाई, और इनका वर्क आपको आज मैं दिखाता हूँ। इनकी स्केचिंग देखते हैं। इनका ऑफिस एक बना हुआ है स्मॉल सा, अपने घर में बनाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। तो वहाँ पे इनके आर्ट का मतलब जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलेगा देखने को इंशाल्लाह। तो आए चले इनके रूम में चलते हैं और इनके आर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू देते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने ये सीखा नहीं है। तो मतलब कि पहाड़ों में रह के हाइकिंग करके, मतलब कि मेहनती भाई हैं काफ़ी, और भी बड़े काम करते हैं ये आर्ट के अलावा भी, स्केचिंग के अलावा। आपको मतलब वो भी दिखाएंगे, इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और आगे आगे जैसे जैसे जो जो चीज़ हमें समझ में आएगी आपको साथ साथ वो बताते जाएंगे। आए चले इनके ऑफिस में चलते हैं और आपको इनका आर्ट दिखाते हैं, और उसके बाद फिर बताइएगा आपको आर्ट कैसा लगा है जी। आए तो चलें, अभी चलते हैं हम उस रूम में जहाँ पे इनका आर्ट जो है वो मौजूद है। आप ये देखें, ये माशाल्लाह मुकम्मल खूबसूरती के साथ इन्होंने इस रूम को एक मुजफ्फराबाद के अंदर, मतलब ये बेसिकली तो आपको पता है ये विलेज है, बट इसके अंदर ये आर्ट जो है इनका ये मौजूद है माशाल्लाह। और ये जो हमारे ज़ेब भाई हैं, इनकी स्पेशल पेंटिंग है, और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट ये है कि चलें खैर। आप ये देखें, ये वर्क इनका है, और ये देखें ये हर चीज़ जो हैंडमेड बनी हुई है, ये इन्होंने मतलब कि मारखोर बनाया हुआ है, हैंडमेड है बिल्कुल। ये इन्होंने ये मिट्टी के साथ बनाया था, और कुछ इसमें मतलब कि पत्थर वगैरह ऐड किए थे, उसके बाद ये बनाया था। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये जो पिक्चर बनी हुई है एक वॉल पे बहुत बड़ी, और ये उसामा बिन जो लादिम साहब हैं उनका ये स्केच है, वॉल आर्ट पे इन्होंने किया हुआ है ये। और इसके अलावा ये देखें, ये हैंडमेड बनाया है इन्होंने बुल, और ये बड़ी खूबसूरती के साथ हर एक चीज़ को इन्होंने इस पर किया था डिज़ाइन। और ऊपर भी आप ये देखें ज़रा, ये देखें जी, आप हर चीज़ के बारे में बड़ी खूबी से जानते होंगे और आपको पता भी होगा। और इसके अलावा एक हमें ये यहाँ पे अच्छी सी पेंटिंग देखने को मिल जाती है बच्ची की, माशाल्लाह हैंडमेड वर्क, और मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ माशाल्लाह इनके इस वर्क से, इस काम से। देखें अब ये गाड़ी बनाई हुई इन्होंने, ये भी हैंडमेड वर्क है, और ये गोल्डन कलर के साथ इन्होंने इस पर सारी अपनी जो मतलब कि मीनाकारी होती है वो की हुई है। और ऊपर ये देखें, उसके बाद इधर एक हॉर्स मिल जाता है हमें देखने को, जो कि हैंडमेड बना है, और बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको मतलब इस फ्रेम के अंदर जो है वो सेव कर लिए। और इसके बाद ये हॉर्स बना हुआ है, ये भी हैंडमेड है। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, और ये जो आपके सामने पड़ा है शूज़, ये भी हैंडमेड बनाया है इन्होंने। और ये इनकी पिक्चर है ज़ेब भाई की, छोटे होते थे जब ये, तो ये देखें आप। इसके अलावा ये एक बड़ी यूनिक चीज़ बनाई है इन्होंने माशाल्लाह, आप ये देखें ज़रा, इसका रिव्यू आपको मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह से खूबसूरत ये बनाया है इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, माशाल्लाह आप ये देखें, बिल्कुल एक एक जो चीज़ है वो आपको स्टाइल में नज़र आएगी, और बड़ा यूनिक वर्क है ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब भाई, सुनाएं कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप और अल्लाह का करम, ठीक ठाक, दुआएं आपकी सर। और सुनाएं आप, इन ऊंचे पहाड़ों के अंदर यहाँ पे रह के इतने बड़े आर्टिस्ट बने, इसके बारे में कुछ हमें इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ बताएं हमें कि आपके अंदर ये इतना जो अच्छा मतलब ये टैलेंट है कि आया किस तरह, अकेले रह के इन पहाड़ों के अंदर इस विलेज में आपने इतना कुछ सीखा, उसके बारे में हमें बताएं। बस बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में था, उसके बाद शौक हुआ ड्राइंग का, स्केचिंग का, लेकिन उस वक्त बनाना कोई नहीं आता था जी, फूल पत्तियाँ बनाता रहता था, करते करते अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुँचा दी है। आज मैं जियोलॉजिस्ट भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, जो मैं आर्ट, जो मेरा आर्ट है उसमें मैं स्केचिंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, स्कल्पचर बनाता हूँ जी, वुड कार्विंग करता हूँ जी, और मैंने बल्कि आयरन पे भी काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वगैरह अपने बनाए हुए हैं, जर्जिकल हैमर मैंने अपना कॉपी किया है, तो बस अपना टाइम स्पेंड करने के लिए काम जी जी, अल्लाह ताला ने सब काम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा लेकिन एक बात आप मुझे ये बताना भूल गए हैं, मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके अंदर ये सारी खूबियाँ किस तरह आई? ये अकेले रहने की वजह से,
इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि अकेले रहने की वजह से ही हो। कोई ऐसी चीज होती है लाइफ में कि जो आपको हासिल नहीं होती तो आप उसकी जिद में आके थोड़ा सा खुद को चेंज करते हैं, तो ऐसा कुछ है तो मुझे बताएं, क्योंकि हर बंदे की ये स्टोरी है और हर बंदा इसी तरह ही कुछ ना कुछ करता है, उनमें से एक मैं भी हूँ आपके सामने, तो आप थोड़ा बताएं। बस आप देखें कि दुनिया की हर चीज़ हमें मैसर है, लेकिन एक चीज़ ही मैसर, तो बस वो हासिल करने के चक्कर में हम लगे रहे और अल्लाह ताला ने मुकाम ऐसा दिया कि ये चीज़ें आपके सामने। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गैलरी को विजिट किया स्पेशल इस्लामाबाद। सर आपका आर्ट, आपका वर्क इतना अच्छा है कि हर बंदे का ये दिल करेगा कि वो देखे, और हैंडमेड काम है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू हर वो बंदा समझता है जो इस चीज़ को जानता है या समझता है या उसको पता है कि इसकी मतलब कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड है। तो हम आए हैं, हम तो आपके आर्ट फैन हो गए सर, हमें इतना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप हमें थोड़ा बताएं अपने बारे में कुछ। अच्छा, मैं आपको ये वाला स्टैचू मैंने तकरीबन एक वीक में बनाई, इसे अपग्रेड की है और इसकी बड़ी खूबसूरती होती है जब रात को अंधेरा होता है, इसके हाथ में दिया जल रहा होता है, वाओ, तो कमरे में एक अमेजिंग सा माहौल बन जाता है माशाल्लाह। और उसके बाद ये मेरे पास, अच्छा ये भी हैंडमेड वर्क है आपका? ये सारा हैंडमेड वर्क है। और उसके आप ये देखें जरा, और मैंने आपको बताया था कि मैं जियोलॉजिस्ट भी हूँ, ये मेरा कोई पत्थरों पे स्टोन पे जियोलॉजी पे भी थोड़ा काम है। जी जी जी। ये क्रोमाइट और है, ये गार्नेट के क्रिस्टल पड़े हैं। जी जी जी। एक और मेरीन पड़ा हुआ है। जी। उसके बाद एगेट पड़ा हुआ है जिसे आप अकीक बोलते हैं। जी जी। उसके बाद मुख्तलिफ फॉसिल्स पड़े हुए हैं, क्रोमाइट और भी है जी, और इसमें आपको मिलते हैं गोल्ड के क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। जी जी जी। और उसके अलावा ये मारहोर का स्टैचू, ये मैंने पहले सबसे पहले ये बनाया था, माशाल्लाह मट्टी में, अच्छा ये भी हैंडमेड वर्किंग है, ये आपकी मुकम्मल, यानी कि इस रूम के अंदर आपने कितना भी आर्ट वर्क किया हुआ है या वो वॉल वर्क किया हुआ है, सारा आपका यानी कि ये टोटली हैंडमेड है। बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड, माशाल्लाह अमेजिंग यार। उसके बाद ये मैंने हॉर्स बनाया था एक, ये पूरा मैंने कद्दू से बनाया है माशाल्लाह, मतलब जो वो वेजिटेबल में यूज होता है कद्दू। हाँ, ये वो माशाल्लाह यार, क्या टैलेंट है यार आपका माशाल्लाह जबरदस्त। आप ये देखें, ये बिल्कुल इसका फेस जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखें, और ये बच्चे तोड़ गए इसका एक हैंड, तो फिलहाल अभी रिपेयर नहीं किया, से भी इंशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें, ये स्केचिंग की हुई है जेब भाई ने, ये देखें। इसके बाद और भी हैं हमारे पास, ये बहुत सारी, वो भी दिखाते हैं आपको, इसको एक साइड पे रखते हैं हम। ये देखें, ये हैंडमेड जो है ये वर्क किया हुआ है इन्होंने, और ये जिनका स्केच बना है, अगर आप मुझे उनका नेम बता देंगे तो आपको हसन मेहंदी पौधे से मेहंदी जो है ना वो बिल्कुल फ्री में लगाएंगे। और ये स्टार हैं बॉलीवुड की, इंडियन स्टार हैं, आपके लिए आसानी कर देता हूँ। और आपने मुझे बताना है कि ये स्केच जो है ये किसका बना हुआ है, आप इसको थोड़ा जूम करके देखें काइंडली, और इनका ये जो हैंड वर्क है, स्केच वर्क है, इसको भी देखें, आपको अच्छा लगेगा यकीनन। मैं तो मतलब कि इम्प्रेस हो गया हूँ इनके आर्ट से माशाल्लाह से। ये देखें आप, ये भी इनका हैंड वर्क है, स्केच जो इन्होंने आज से कुछ साल ये बनाया, पहले ओल्ड मेमोरीज हैं क्योंकि अभी तो भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी वो इनकी ओल्ड वर्किंग है, ओल्ड वर्क है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने हर स्केच को बनाया है और इन पे स्ट्रगल की है, मेहनत की है, एफर्ट की है, और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं भाई। ये जूम करके भाई आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो कैमरा मैन है आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा हमारे पास ये पेंटिंग आ जाती है, ये देखेंगे पेज पे बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ इसके अंदर इन्होंने जान डाल, इनको फोर्स करके ये वीडियो बनवाई है इनसे कि आप हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे फैंस हैं, आप उनके सामने आए, लोगों को पता चले कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मतलब सर पे मटका उठाया हुआ है इनका, ये पेंट बनाया है इन्होंने, स्केच बनाया है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसके अंदर हर चीज़ को प्रोमिनेट किया है, बड़ा यूनिक वर्क है माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वर्क है। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती जो है ना हर इनकी पेंटिंग की, स्केच की, वो अपनी अपनी मिसाल देती है खुद, और वो खुद बोलती है कि मैं कुछ बनी हूँ, और जेब जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरे अंदर कुछ जान डाली है, कुछ बनाया है। हाँ ये अभी अनकम्प्लीटेबल है, अभी ये इन्होंने इसको करना था कंप्लीट, बट थोड़े बिजी हो गए थे तो इन्होंने बीच में छोड़ दिया। अपनी लाहौर की एक क्लाइंट का स्केच बनाया था, अगर तो ये हमें वहाँ पे बैठ के मैडम देख रही हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो पे ज़रूर वो करेंगे कमेंट, और
आपकी जो पेंटिंग है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी है, और जो जेब भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका हर काम ही बड़ा यूनिक है, बड़ा औसम है और बहुत ही अच्छा करते हैं। बहुत खूबसूरत बनाया माशाल्लाह इन्होंने, और ऐसी ही जो ये पेंटिंग्स हैं इनके इनके ऑफिस में जो हैं मतलब कि ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। इस पेंटिंग पे आ जाएं आप, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, आप ये देखें। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी लोग स्केचिंग की दुनिया के बादशाह हैं या इस चीज़ को समझते हैं, अगर तो वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज़ेब भाई के आर्ट का यकीनन आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह ज़ेब भाई हमारे जो हैं कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी कर लेंगे तो मतलब सारी ज़िंदगी भी आप करते रहेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे तो आपको आगे कुछ और नज़र आएगा। तो बाकी इसके अलावा एक और पेंटिंग ये ज़ेब भाई ने अभी निकाली थी, तो ये देखें ज़रा, बहुत अच्छा वर्क है माशाल्लाह, बहुत औसम है, बहुत अमेजिंग है। अच्छा ज़ेब भाई, आप थोड़ा सा हमें ये बताएँ कि आप मुजफ्फराबाद में रह के अकेले ज़िंदगी गुजारी, अकेले रहे आप, मुझे मतलब कि पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैंने बीएससी जियोलॉजी में किया, मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, तकरीबन 6-7 महीने हुए यूनिवर्सिटी से मैं फ्री हूँ। बाकी ये आर्ट तो मेरा बचपन से चल रहा है और अभी तक मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। जी जी, तो फिलहाल जॉब वगैरह नहीं मिली, आपने मुझे बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तो अब आपके साथ हूँ जॉब। सर हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास इतना अच्छा आर्टिस्ट मौजूद है। अब आपके पास आज आके आपको ऑफिस विजिट किया है, आपका माहौल देखा है, आपका हाउस देखा है, मुजफ्फराबाद में इस मतलब के बड़े जंगल के अंदर माशाल्लाह आप रहते हैं और इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए आप, इसका क्या रीज़न है? कोई हमें भी आप वो चीज़ हमारे अंदर भी डालें। बस एक ऐसा होता था ना कि मुझे चीज़ें पसंद आती थी कि ये चीज़ मैं परचेज़ करूँ, बाय करूँ, नहीं कर सकता था, वो खुद अपने लिए बना लेता था माशाल्लाह। अब आपने मेरा वुड कार्विंग का काम देखा है, उसके बाद मड का काम देखा है, स्कल्पचर का जो भी है, तो ये चीज़ें मैं बाय नहीं कर सकता, बाय करूँगा अभी तो ये लाखों में होती है, तो ये चीज़ें मैं इमेजिन करके खुद ही बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद पेंटिंग की तरफ भी आ गया हूँ, अब तो आपके पास आया हूँ, आपने मेहंदी का भी वो सिखा दिया मुझे माशाल्लाह, तो आप बड़े अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट हैं। मेहंदी भी ले। अच्छा जी भाई, एक चीज़ और बताएं कि आगे का आपका क्या प्लान है एज अ फ्यूचर, आप जो इतनी अच्छी स्केचिंग करते हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आगे आपने अपने फ्यूचर में अपने लिए क्या सोचा हुआ है? फिलहाल तो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो अभी से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो देखिए अब आगे फ्यूचर मेरा कहाँ तक जाता है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, अब अल्लाह ताला ने अगर अच्छा मुकाम देना हो दे देंगे, तो नहीं तो फिलहाल मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ ऑडियंस के, हमारे जो ज़ेब भाई हैं माशाल्लाह इतने अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक अपने इस आर्ट को ऑडियंस के मतलब सामने नहीं लाया और इसको बस अपने लिए मतलब महदूद रखा है, और आज मैंने इनको फोर्स किया, जैसा कि मैंने कहा आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा वर्क करते हैं, तो आपको मतलब सोशल मीडिया पे इसको ले कर आना चाहिए कि हमें मतलब सोशल मीडिया पे लोग मिलते हैं जो हमारे आर्ट को समझते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है, मतलब इतने सादा आर्टिस्ट और इतना अच्छा काम करने वाले आर्टिस्ट हैं जो कि इधर रह के इन पहाड़ों के बीच में रह के बिल्कुल अपने आप को मतलब कि सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको इनकी कोई भी स्केचिंग जो है इसको करना हो परचेज़, आपको कोई मार्कोर जो हैंडमेड बनाए हैं इन्होंने उसको परचेज़ करना हो, आपने हॉर्स परचेज़ करना हो जो हैंडमेड भाई ने स्केच बनाए हुए हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ज़ेब भाई की आईडी भी मेंशन करेंगे यूट्यूब की, और आपने उसको ज़रूर करना है सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, हसन मेहंदी पौधर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ।